दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे सितारे जिनकी एक ही दिन में दो फिल्में रिलीज हुई थी। चलिए देखते हैं कौन थे वो और कौन सी थी वो फिल्में। शुरुआत करेंगे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के, जिसे इनकी एक ही दिन में दो फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी कर्म, 29 अप्रैल 1977 को इसी दिन राजेश खन्ना की दूसरी मूवी भी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था छैला बाबू। संजय दत्त की भी दो फिल्में एक ही दिन में रिलीज हुई थी। पहली थी ऑल द बेस्ट, 16 अक्टूबर 2009 को ये मूवी रिलीज हुई थी। इसी दिन दूसरी मूवी जो रिलीज हुई थी वो थी ब्लू। प्रीति जिंटा, इनकी भी दो फिल्में एक ही दिन में रिलीज हुई थी। पहली थी दिल चाहता है, 10 अगस्त 2001 को रिलीज हुई थी। इसी दिन दूसरी मूवी भी रिलीज हुई थी, ये रास्ते हैं प्यार के। रवीना टंडन की जो दो मूवीज एक ही दिन में रिलीज हुई थी, पहली थी जमाना दीवाना जो कि 28 जुलाई 1995 को रिलीज हुई थी, दूसरी थी साजन की बाहों में। बात करेंगे अमिताभ बच्चन की, इनकी चार बार दो फिल्में एक ही दिन में रिलीज हुई थी। देखते हैं कौन सी थी। सबसे पहली बार जो हुई थी वो थी रोटी कपड़ा और मकान, 18 अक्टूबर 1974 को। इसी दिन जो दूसरी मूवी रिलीज हुई थी वो थी बेशरम। मजे की बात यह है कि इन दोनों फिल्मों में मौसमी चटर्जी भी थी। अब जो दूसरी बार अमिताभ बच्चन की मूवी थी वो थी अभिमान, जो कि रिलीज हुई थी 27 जुलाई 1973 को। इसी दिन अमिताभ बच्चन की दूसरी मूवी रिलीज हुई थी गहरी चाल। तीसरी बार थी खाकी, जो कि रिलीज हुई थी 23 जनवरी 2004 को। इसी दिन अमिताभ बच्चन की दूसरी मूवी जो रिलीज हुई थी वो थी एतबार। और चौथी बार जो अमिताभ बच्चन की दो मूवीज़ रिलीज हुई थी, पहली थी चीनी कम, 25 मई 2007 को। इसी दिन अमिताभ बच्चन की जो दूसरी मूवी रिलीज हुई थी वो हुई थी शूट आउट एट लोखंडवाला। शाहरुख खान की भी एक ही दिन में दो फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी गुड्डू, 11 अगस्त 1995 को। इसी दिन दूसरी मूवी रिलीज हुई थी ओ डार्लिंग ये है इंडिया। सलमान खान की जो पहली मूवी रिलीज हुई थी वो थी दिल तेरा आशिक, 22 अक्टूबर 1993 को ये मूवी रिलीज हुई थी। इसी दिन जो दूसरी मूवी सलमान खान की थी वो थी चंद्रमुखी, गोविंदा की दो बार दो फिल्में एक साथ एक ही दिन रिलीज हुई थी। पहली बार जो थी वो थी ताकतवर, जो रिलीज हुई थी 16 जून 1989 को। इसी दिन जो दूसरी मूवी थी वो थी जंगबाज। दूसरी बार जो गोविंदा की मूवी थी वो थी तकदीर का तमाशा, जो ये मूवी रिलीज हुई थी 12 मार्च 1988 को। इसी दिन गोविंदा की जो दूसरी मूवी रिलीज हुई थी वो थी महासंग्राम। मनीषा कोइराला की दो बार दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी। पहली बार जो मूवी थी वो थी लाल बादशाह, जो रिलीज हुई थी 5 मार्च 1999 को। इसी दिन दूसरी मूवी जो रिलीज हुई थी वो थी लावारिस। दूसरी बार जो मनीषा कोइराला की फिल्में दो रिलीज हुई थी, पहली थी चैम्पियन, 22 दिसंबर 2000 को। और इसी दिन जो दूसरी मूवी थी वो थी राजा को रानी से प्यार हो गया। सुनील शेट्टी की दो बार दो फिल्में एक ही साथ एक ही दिन पर रिलीज हुई थी। पहली बार जो थी वो थी ब्लैकमेल, जो कि रिलीज हुई थी 28 जनवरी 2005 को। इसी दिन दूसरी जो मूवी थी वो थी लालू प्रसाद यादव। दूसरी बार जो थी वो थी फिर हेरा फेरी। इसी दिन सुनील शेट्टी की दूसरी फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था चुप चुप के। मज़े की बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों में परेश रावल और राजपाल यादव भी दिखाई दिए थे। श्रीदेवी की भी दो फिल्में एक ही दिन पर रिलीज हुई थी। पहली थी अकलमंद, जो रिलीज हुई थी 4 मई 1984 को। इसी दिन श्रीदेवी की दूसरी मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था मकसद। अनिल कपूर की भी दो फिल्में एक ही दिन पर रिलीज हुई थी। पहली थी तेजाब, 11 नवंबर 1988 को। इसी दिन दूसरी मूवी भी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था इंतकाम। मिथुन चक्रवर्ती की तीन बार एक ही दिन में दो फिल्में रिलीज हुई थी। पहली बार जो थी वो थी तड़ीपार, जो रिलीज हुई थी 17 अक्टूबर
1993 को। इसी दिन जो दूसरी फिल्म थी उसका नाम था शतरंज। दूसरी बार मिथुन चक्रवर्ती की जो फिल्म थी वो थी अब इंसाफ होगा, 6 जनवरी 1995 को रिलीज़ हुई थी। इसी दिन दूसरी फिल्म भी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था गुनहगार। तीसरी बार जो थी वो थी शानदार, जो रिलीज़ हुई थी 2 मार्च 1999 को। इसी दिन मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी फिल्म रिलीज़ हुई थी प्यार का कर्ज। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों फिल्मों में मीनाक्षी सेशाद्री भी थी। बात करेंगे सनी देओल की। सनी देओल की भी एक ही दिन में दो फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी इम्तिहान, जो रिलीज हुई थी 11 मार्च 1994 को। इसी दिन दूसरी मूवी भी रिलीज हुई थी जिसका नाम था इंसानियत, रविनाथ टंडन। इन दोनों फिल्मों में मज़े की बात यह है कि रविनाथ टंडन भी दिखाई दी थी। अब बात करेंगे अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन की भी दो फिल्में एक ही दिन पर रिलीज हुई थी। 27 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी धूम। इसी दिन दूसरी फिल्म भी रिलीज हुई थी अभिषेक बच्चन की जिसका नाम था फिर मिलेंगे।